देखो ये आंटी का घर है। आंटी का आओ। वेलकम बैक टू द चैनल। ये हालत देखो मेरी। मैंने सोचा था पहले कि जब ये कन्या खिलाऊंगी ना तो मैं साड़ी पहनूंगी, लेकिन यार पता नहीं मेरे बस की बात नहीं है। मैं सुबह से, आप मानोगे, मैं 6:30-7 बजे से उठी थी। मॉर्निंग से सारा खाना वगैरह बना रही थी सब, क्योंकि घर का भी काम निपटाना होता है और ये जो कन्या का अलग से खाना बनाना था वो कर रही थी। फिर बच्चों को नहलाना धुलाना तैयार करना है, यार सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता है। फिर भी जैसे तैसे मैंने मेरे हस्बैंड की हेल्प से कर लिया, लेकिन देखो नहाने के बाद बालों में कंघी तक नहीं हुई है। और उसके अलावा आउच, मैंने सोचा था कि मैं साड़ी पहनूंगी, वो भी नहीं पहन पाई अभी तक साड़ी। इसलिए बस ये कुर्ती जो पहनी थी उसी में फटाफट मैंने कर दिया, क्योंकि बहुत लेट हो गया था कन्या खिलाने का। और ये ठीक है, लड़कियों ने किया है, कन्याओं ने किया है। तो बस यही बता रही थी कि मैं एक्चुअली नौ ही कन्या खिलानी होती है हर बार, लेकिन पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हर बार 9 की जगह कभी 10 आ जाती हैं, कभी 11 आ जाती हैं, कभी 12 आ जाती हैं, कभी 13 आ जाती हैं। मतलब 9 तो मैं कभी, मुझे याद नहीं कि आज तक मैंने कभी 9 कन्याएं खिलाई हैं। टीका ही यहाँ तक बह के आ गया, हमेशा 11, 12, 13 एक्स्ट्रा ही हो जाती है हमेशा। मतलब कम नहीं पड़ती है, जितनी बुलाती उससे एक्स्ट्रा ही आ जाती है। जैसे कि अभी ऊपर 2 लड़कियां हैं 7th फ्लोर पे, 5th पे 2 लड़कियां थी तो मैंने दोनों को ही बुलाया था, लेकिन वो 5th पे एक और लड़की थी साइड वाले मकान में, वो आ गई। फिर जो सब्जी वाले भैया ना जो मेरे घर पे सब्जी मतलब मुझे देते हैं, तो उनकी बेटी भी काउंटिंग में नहीं थी। बट क्या हुआ, मैंने बनाना मंगाया था कन्याओं को देने के लिए, तो उनकी बेटी बनाना देने आई थी, छोटे से बच्ची बनाना देने आई थी। तो फिर मैंने बोला अभी खुद माताजी आई, माताजी के रूप में कन्या आई, तो मैंने उसको भी बिठा लिया। फिर जो हमारी नैना बहन की लड़कियाँ हैं ना, वो दोनों बहुत बड़ी हैं, मतलब वो कन्या के हिसाब से नहीं है, बट मैं वो दोनों बच्चियों को अपना मतलब मानती हूँ। तो इसलिए लास्ट टाइम भी मैंने बुलाया था वो, जबकि वो मना कर रही थी कि मैं तो आंटी बड़ी हूँ, पर फिर भी मैं उसको खिलाती हूँ, मेरे लिए तो कन्या कुंवारी है, अब कुछ भी एज उससे क्या मतलब है। तो उनको भी मैंने आज बुलाया था, फिर वो आए नहीं, फिर मैंने दूसरों को खिला दिया, फिर पीछे से वो आई। तो जो हर बार क्या होता है ना, मैं अब से 2-3 बार से मेरे से गलती हो रही है, मैं क्या करती हूँ, 9 लड़कियाँ हैं तो मैं एक एक्स्ट्रा लेके आती हूँ, जो भी लाती हूँ ना देने का एक्स्ट्रा सामान। तो मेहंदी का कौन है, बिंदी है, और अभी तक तो मैं स्टील के टिफ़िन दे रही थी। आप लोगों ने लास्ट मेरा अगर ब्लॉग देखा हो रामनवमी का, तो छोटे से डब्बे लाती थी स्टील के, इस बार मैंने सोचा प्लेट लाते हैं, तो प्लेट भी मैं लाई, एक्स्ट्रा ही लाई थी, 11-11 प्लेट लाई थी, फिर भी बच्चियाँ 13-14 हो गई। तो फिर हर बार क्या होता है, फिर जिया और गोटू का सामान मुझे दूसरे बच्चे को देना पड़ता है। फिर जिया गोटू का मैं सोचती हूँ कि मैं जिया तुझे दिला दूँगी बाद में, फिर ना जिया का आ पाता है ना गोटू का आ पाता है। इस बार भी ऐसे हुआ, बेचारी जिया का मेहंदी का कौन, जिया का रुमाल, जिया की स्टील की प्लेट वगैरह सब दे दिया, क्योंकि अब पीछे से लड़कियां आती हैं। अब बच्चों को तो, हमारे बच्चों को तो हम नहीं देंगे तो अभी चलेगा, आगे पीछे दे देंगे, पर जो बाहर से जो बच्चे आते हैं वो रोज़ से आते नहीं हैं, तो उन्हें देना फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी है। जिया मेरे से लड़ रही है क्योंकि उसका हर बार में उसका सामान जो एक्स्ट्रा बच्चे आ जाते हैं ना उनको दे देती हूँ, इसलिए वो चिल्ला रही है और वो नाराज़ भी हो रही है क्योंकि हर बार उसकी चीज़ में दे देती हूँ। पर अगली बार से भले लड़कियाँ चाहे 9 आए, 10 आए, 11 आए, 12 पता नहीं, लेकिन मैं टोटली 15-15 का सामान लेके आऊँगी। एक्स्ट्रा बचेगा तो कोई बात नहीं, घर में रुमाल है, मेहंदी का कौन है, और स्टील की प्लेट है, या जो भी टिफ़िन वगैरह रहेंगे वो सब एक्स्ट्रा रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अब कम नहीं होना चाहिए। तो ये बात का मैं बहुत ध्यान रखूँगी कि मुझे सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सामान लाना है। तो और हाँ, अभी जो सामने है ना, जो भाभी हैं उनकी 2 बेटियाँ हैं, उनकी मतलब एक बेटी कोमल है, उनकी ननंद की बेटी है खुशी, तो मैंने उन दोनों को एक गिनती करी थी, लेकिन उनकी दूसरी ननंद की बेटी बच्ची है वो भी आ गई थी पीछे से। तो फिर उसका भी मैंने खाना वगैरह तो दे दिया, टिफ़िन भी दे दिया, लेकिन बस यही है कि मैं सामान नहीं दे पाई, सिर्फ केला और 10 रुपये दे दिए, प्लेट भी नहीं बची। जी अब बहुत गुस्सा हो रही है, मैं उसका हर बार सामान दे देती हूँ। अभी तो खाना खाया, चने पूरी और वो, अभी मस्कमन भी चाहिए अलग से। नीचे लड़ाई करके किससे, क्यों? अरे एक लड़का बार बार परेशान करता रहता है, स्लाइड पे नहीं चढ़ने दे रहा है, मैं तो लड़ी है, बोला घूमनी चलने सबकी सोसाइटी ठीक है। इनके कुछ आपस में बच्चों की लड़ाई भी,
ठीक है चलो खेलो साथ में। फिर कोमल रोज तो आती नहीं, वो जो हमारे सामने चली भी गई, वो हमारे सामने वाले भैया है ना, पापा ले गए उसके। नहीं नहीं तो किसके साथ गई? अरे परी के पापा। ओके वो सामने वाले भैया। बेटा फैन क्यों ऑन कर दिया, अभी इसमें आवाज़ फिर नहीं आती है। सामने जो है ना वो भाभी लोग, वो क्या रोज आते नहीं है, कभी कभार आते हैं, तो आज वो कन्या खिलाना था इसलिए वो आई थी, तो अभी वो लोग चले गए। उनका जो पुराना मकान है ना मैंने बताया, वो वहाँ पे चले गए। और अभी ये देखो घर ऐसा का ऐसा ही पड़ा है क्योंकि सफाई नहीं करी है। दिख रहा है आपको गंदा हो रहा है, फूल वूल गिरे हुए हैं और यहाँ पे सब। पर मैं ये सफाई नहीं करूँगी क्योंकि कन्या की अभी पूजा करी है, कन्या जिम के गई हैं, तो हाथों हाथ झाड़ू पोछा नहीं करते ना शुभ काम के बाद। तो इसको अभी ऐसे ही पड़े रहने दूँगी, आधे घंटे बाद सफाई करूँगी, वो भी झाड़ू नहीं लगाऊँगी, हो सकेगा तो कपड़े से। जितने फूल वगैरह इन पे गिरे हुए हैं, मेरे पे फूल और चावल हैं, ये ऐसे मैं कपड़े से समेट लूँगी। कहते हैं कि झाड़ू नहीं लगाते हैं। देखो ये आंटी का घर है। आंटी का ये आंटी हैं जो अभी आए, मैं वीडियो में बोलती रहती हूँ ना आपके बारे में, तो मैंने बोला मेला आज आंटी आए हैं, मेला वो बच्चे आए। हाँ ये हमारी आंटी, इनको कभी आज तक मैंने व्लॉग में दिखाया नहीं क्योंकि जब ये यहाँ बीच में रहने भी आए थे तो मेरा यूट्यूब का काम इतना ज़्यादा नहीं कर रही थी इसलिए। ये इनकी बेटी है, देखते हो मेरे वीडियो को? नहीं देखते? देखते हो आप? देखते हो? ये आंटी का घर है, इतना सुंदर घर देखो, पर रहते नहीं है, इतना अच्छा घर है लेकिन आंटी रहती नहीं, वो वहीं रहते हैं, अपने वहीं रहते हैं। अभी आएगा ना दिवाली के बाद? अब मैं मेरा जाने का टाइम हो जाएगा। ये मेरे बच्चे नूडल्स खाते हैं, तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चूक पूरा बंच ले लेता हूँ ताकि एक आध हफ्ता 10 दिन चलेगा, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे ये 2 दिन में पूरा ख़त्म कर दिया था। इनफैक्ट मेरे बच्चों ने 2 दिन तक खाना ही नहीं खाया था, इसी पे ही रहे थे। और यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ, मैं एक्चुअली जा रही थी बाइक पर, हम लोग पूरा 1 वीक तक बाइक पर ही घूमे थे क्योंकि क्या था ना कि जो हमारी गाड़ी की चाबी थी वो श्लोक ले रहा था, तो उससे छुपाने के लिए मैंने कहीं रख दी थी और मैं खुद ही भूल गई थी कि मैंने कहाँ रखी है। तो पूरा हम 1 वीक तक 10 दिन तक आई थिंक शायद बहुत हैरान हो गए थे, 2 व्हीलर पे ही हमको हर जगह जाना पड़ता था क्योंकि गाड़ी की चाबी ही नहीं मिल रही थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया वो बहुत कॉस्टली बनती है, फॉक्सवैगन की कार है हमारी, तो उसकी चाबी आपको सबको पता है सेंसर बेस्ड होती है तो बहुत महंगी पड़ती है। तो इस वजह से हम लोग बाइक पे ही यहाँ पे जा रहे हैं। और ऐसे ही एक्चुअली क्या था ना कि बच्चे सब नानी के वहाँ गए थे तो मैं और मेरे हस्बैंड फ्री थे, तो बोले चलो बाइक पे घूमते हैं। वैसे भी हम बाइक पे जब घूमते हैं ना तो हमको हमारा पहले का वक्त, टाइम बिफोर मैरिज का सब याद हो जाता है, रिकॉल हो जाती है मेमोरी। तो बस यहाँ पे हम दोनों आए थे खाना खाने बाहर पे, तो रेस्टोरेंट वगैरह में हमने नहीं खाया क्योंकि आप देखते हो ना कि मैं, हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह बहुत जाते हैं और ऊब जाते हैं एक जगह से खा खा के। तो बस ऐसे ही हम लोग ऐसे ही राइड में घूमने गए थे, तो रस्ते में ये इस तरीके से नॉनवेज का वहाँ पे ठेले लगे थे बहुत सारे, तो हमने बोला चलो ये भी एक्सप्लोर करते हैं, ट्राई करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं मटन मसाला हमने मंगाया था, बॉयल एग और वो सब हम लोग खा रहे थे। वैसे भी मुझे पता नहीं इवनिंग टाइम पे मेरे हस्बैंड के साथ जाना या बच्चों के साथ जाना बाहर घूमना गाड़ी पे और या 2 व्हीलर पे घूमना, और बाहर ये जो छुटुक मुटुक सामान आता है ना रेस्टोरेंट में, प्रॉपर खाना खाना नहीं पसंद है पर ये जो ठेले पे होता है ना ये ऐसा सब खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब पता नहीं क्यों मैं शौकीन ऐसे वेराइटी थोड़ा थोड़ा सब कुछ ट्राई करना। और बाद में घर जाते वक्त हमने हमारे बच्चों के लिए मस्काबन ले लिया था, तो गुजरात में तो सब लोग जानते हैं मस्काबन क्या होता है, जो आउट ऑफ गुजरात है तो उन्हें मैं बता दूँ, एक बन होता है जिसमें मस्का मार के बटन लगाया जाता है एंड अलग अलग फ्लेवर के जैम लगाए जाते हैं, कोई चॉकलेट फ्लेवर लगवाता है, कोई अलग अलग, मतलब जितने फ्लेवर होते हैं जैम के वो होता है। तो यहाँ पे बस बच्चों के लिए वो बनवा रहे हैं और हम लोग जब तक ये बन रहा था तब तक हम लोग चाय पी रहे थे और लाइव ढोकला खा रहे थे, और ये बच्चों के लिए अभी लेके घर जाएंगे। Go back home, 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 go back home
मैंने बनाया है आज मटन मसाला। रेसिपी वगैरह मैं आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत बार कर चुकी हूँ मेरे चैनल पे, और दूसरा मैंने बताया ना कि ज़्यादातर मेरे जो चैनल देखते हैं वो वेजिटेरियन है, तो मतलब सबको पसंद नहीं आता देखना, तो बस खाली ये लास्ट लुक दिखा दे रही हूँ कि आज मैंने ये बनाया है, वो भी मेरे नॉन वेजिटेरियन सब्सक्राइबर्स के लिए। देखिए यम्मी ना।